फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं कुछ जहरीले कीड़े मकोड़े ज़मीन के अंदर से निकल कर बाहर घूमने लगते हैं। उन्हें जहाँ भी अपने लिए सही वातावरण मिलता है वह वहीं अपना ठिकाना बना लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि इनमें से कुछ जहरीले कीड़े ऐसे भी होते हैं जो अगर किसी को काट लें तो उनका जहर उतारना बड़ा ही मुश्किल होता है, जिनमें से एक है बिच्छू। जी हाँ, बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इसके काटने के बाद इसका जहर कुछ ऐसा होता है कि पूरे शरीर में जलन होने लगती है और इसका शिकार पूरी तरह से तड़पने लगता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे जिसे आजमाकर आप बिच्छू के जहर से बच सकते हैं। यह एक होम्योपैथिक दवा है जिसे हम बिच्छू के जहर से बचने के लिए बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस दवाई का नाम है सिलीसी 200। नाम की यह दवा आपको किसी भी मेडिकल की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। इसे आप लाकर अपने घर में पहले से ही रखें। इसके बाद अगर आपको कभी बिच्छू काट ले तो आप इस दवा को हर 10 मिनट में जीभ पर एक बूंद लें। यह दवा बस 3 बार लेना ही काफ़ी है। अक्सर जब भी बिच्छू डंक मारता है तो वह अपना डंक शरीर के अंदर ही छोड़ देता है। इस डंक की वजह से ही शरीर में ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस दवा के इस्तेमाल के ठीक आधे घंटे बाद ही आपको बिच्छू का जहर ख़त्म हो जाता है। और यह दवा नदी की मिट्टी से बनाई जाती है, इसमें थोड़ी मात्रा बालू रेत की भी होती है। दोस्तों, वहीं आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि इस दवा का प्रयोग आप सिर्फ बिच्छू काटने पर ही नहीं बल्कि कांटा लगने पर, कांच घुसने पर, ततैया मधुमक्खी काटने पर भी प्रयोग में ला सकते हैं। यह दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक दुकान पर केवल 5 या 10 रुपए में आसानी से मिल जाती है। तो देखा दोस्तों आपने, यह दवा कितनी उपयोगी है। आप भी इसे खरीद कर अपने घर पे रख सकते हो, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली सर्कल में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, जिससे इस जानकारी का लाभ सब ले सकें और इससे बच सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह की सेहत से जुड़ी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।